देखिए कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनके सीजन का हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं एंड आई एम श्योर मेरे साथ आप अग्री करेंगे एज अ फैन दैट आरिया इज वन सच सीरीज फ्रेंचाइज इन फैक्ट जिसका सीजन थ्री के लिए हम जितने एक्साइटेड हैं एक्चुअली जो स्टारकास्ट है इस रिलेटेड वो वो भी उतने ही एक्साइटेड हैं और वो आप के तारिक वासुदेव है जिनको उनके रोल के लिए बहुत सारी रिक्निशन प्रेज मिली ढेर सारी बातें तारिक से हम करेंगे लेकिन सबसे पहले ऑन पंजाब केवोदय टाइम्स थैंक यू थैंक यू सो मच निधि वेरी नाइस टू बी इट्स अ प्लेजर बिकॉज यू नो ये सीरीज ऐसी हो चुकी है कि आई थिंक एवरीबडी जिन्होंने देखी है देर टॉकिंग अबाउट इट तो एक ये हो गया ना कॉन्वर्सेशन स्टार्टर टाइप्स भी हो गया है कि अब क्या होने वाला है सीजन थ्री कब आएगा सो इट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट टू हैव यू हियर ऑन आस दिस प्लेटफॉर्म thank you thank you yes i mean uh, i think everybody is very excited about season 3 and of course season 1 and 2 also uh, was such an engaging series आ, लोगों को आ, काफी आ, मजा भी आया पर उसमें इतना डेंजर है तो वो जो सस्पेंस रहता है सीरीज में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तारिक एज ए सेट कि यू नो जो फैंस uh, हैं या जो ऑडियंस है ऑफ द फ्रेंचाइज तो हम तो भाई बेसब्री से सीजन वन आया तो सीजन टू का इंतजार कर रहे थे सीजन टू का आया तो वेन विल द शेरनी बी बैक हम उसका इंतजार कर रहे थे uh, आप एज एन एक्टर जो कि सीजन में इन्वॉल्व रहे काफी प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट आर्या की जर्नी में आपका रोल रहा तो सीजन थ्री के लिए आप कितने एक्साइटेड एक्साइटेड थे वेरी आई मीन जैसे मैं आपको अभी भी बोल रहा था या कह रहा था कि सीजन टू में जो है इतना ज्यादा डेंजर बढ़ रहा था आर्या की लाइफ में और जो केडिया है वो हर स्टेप पर आर्या को प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो बहुत ही लॉयल है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी आर्या के अगेंस्ट नहीं जाता और आई थिंक वही डेंजर और सस्पेंस रहता है सीजन टू और सीजन uh, वन में भी आप देखेंगे कि कई लोग जो है इनिशियली उनके साथ होते हैं पर फिर उनके अगेंस्ट हो जाते हैं तो आई थिंक केडिया की यही खासियत है कि वो लॉयल uh, uh, रहता है और फिर भी अः uh, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता किसी को तो वो टॉर्चर भी होता है uh, कि डैप होने के बाद पर फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और uh, वो उनकी हेल्प करता है जैसे मैं कह रहा था हर एट एवरी स्टेप ऑफ द वे सो होपफुली दैट विल आल्सो कंटिन्यू राइट कहीं आर्या के साथ वुमन अगर मैं बात करूं तो यू नो आई स्टार्ट एम्पथाइजिंग ऑनेस्टली आई स्टार्ट लाइकिंग पीपल जो उसकी हेल्प करते हैं एंड केड़िया जो है Uh, मुझे ना ऐसा लगा कि जो टॉर्चर वाले सीन्स थे कि जब आप किडनैप हो गए मुझे लगे ओ अब ये ना प्रेशर में आ जाएंगे अब ये सारी चीजें कीड़िया जो है रिवील कर देगा बट योर कैरेक्टर कि कुछ भी रिवील नहीं किया और आर्या ने आपको सेफ भी किया और एंड में फिर आपने और आगे जाके मदद भी की सो so मुझे ये जानना है कि वो जो टॉर्चर सीन्स थे विच वेरी ग्रूसम हाउ डिड एज एन एक्टर आपने अपने आप को तैयार किया ऑनस्टली निधि दैट वॉज द टफेस्ट सी इन दर एवर डन बिकॉज हम एक्चुअली uh, जो प्रोडक्शन डिजाइनर थे और जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक्चुअल टोर्चर टूल्स रखे थे वहां पर सेट uh, पर okay. और uh, मैं uh, उनको देखने के बाद उन टूल्स को मैं सोचने लगा कि अगर ये इतने असली रियल टूल्स हैं तो परफॉर्मेंस भी रियल होनी चाहिए क्योंकि अगर रियल नहीं होगी तो वो बहुत फेक लगेगा और, और ऐसा लगेगा कि वो जो सफरिंग है कैरेक्टर की वो रियल नहीं होगी ट्रूथफुल नहीं होगी तो मैंने प्रैक्टिस किया एक्चुअली क्योंकि मेरे हेड uh, पर प्लास्टिक बैग रखा जाता है और uh, मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस की कि मैं कितनी देर के लिए अपनी ब्रेथ होल्ड कर सकता हूँ विद अ बैग तो पहले मैंने वो प्रैक्टिस किया वो टाइमर सेट किया और फिर डायरेक्टर के साथ हमने वो टाइमर ऑन सेट लगाया तो जैसे ही वो टाइमर रिंग uh, होता था तो वो बैग उतारते थे पर तब तक मैं रखता था और मैं अंदर एक्टिंग भी कर रहा था लास्ट no. बैग के अंदर क्योंकि मैं टॉर्चर हो रहा हूँ राइट सो सो इट वॉज एज क्लोज टू बीइंग एज रियल एज पॉसिबल इट फेल्ट लाइक आई वॉज बी टॉर्चर्ड बट आई थिंक वॉट यू डू यू नो एज एन एक्टर अपनी एक्टिंग में डेफिनेटली ये कोशिश करता हूँ कि जितना मैं ट्रूथ के पास पहुंच सकता हूँ एज एन एक्टर

Uh, आप रिस्क सिर्फ uh, उन 15 सेकंड्स के लिए लेंगे पर वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के बाद यू प्रैक्टिस 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 इट्स ऑलमोस्ट लाइक डूइंग अ स्टंट जो स्टंटमैन होते हैं जो इतने रिस्क लेते हैं वो जंप करते हैं क्लिफ से या कहीं वो प्लेन से लैंड करते हैं जैसे टॉम क्रूज तो फेमस है करने के लिए right. बिना सेफ्टी के लिए वो तो मोटरसाइकिल के साथ क्लिफ केंप ऑफ अ क्लिफ यू नो सो

एंड आई हैव ऑडिशन ट्वाइस आई टू सीन एक्चुअली फॉर डाउन के टाइम पर हुआ था तो उस टाइम पे हम लोग घर पे ही थे आप जा नहीं सकते थे तो मैंने घर पे दो सीन शूट करे पर मैंने थोड़े अलग तरीके से शूट करे क्योंकि मैंने जैसे नॉर्मली आप एक वाइट वॉल के पीछे अगर बैकग्राउंड में है व्हाइट वॉल या कुछ ऐसा आप करते हैं पर मैंने एक्चुअली अपने बाथरूम में शूट किया क्योंकि एक फोन कॉल का सीन था ऑडिशन में और अगर आप देखेंगे सीजन टू में केडिया फोन पर काफी बात करता है क्योंकि वो हर चीज कुछ व्हीलिंग डीलिंग करते रहता है कहीं ना कहीं कुछ होता है तो वो फोन पे आर्या को इंफॉर्मेशन देता है और आ, काम करता है तो आ, मैंने वो फोन कॉल बाथरूम में शूट करी क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी डिफरेंट सेटिंग होगी और वो ऐसा आदमी है कि वो बहुत बिजी रहता है तो अगर बाथरूम में भी अगर वो हाथ धो रहा है या कुछ कर रहा है वो फोन लेगा तो यू नो दैट इज वाई थॉट थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आई थिंक द कास्टिंग डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर्स also liked that uh, I shot it in the bathroom so uh, that was that was interesting right you know but initially जब uh, season two में we get uh, to know about this character तो ऐसा लगता है uh, in the beginning की बस ये कैसा बंदा है जिसे सारे finances की बहुत ही अच्छी information है और uh, you know ये family को इस तरह से financially uh, जो advice कर रहे हैं या उनके finances को maintain but then धीरे-धीरे धीरे you become so significant के end में

थोड़ा इंट्रोवर्टेड भी है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है पर वो फिर भी सबके साथ अच्छा उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है इसलिए वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जैसे आप देखेंगे कि वो माया जब भी उनके पास आती हैं हेल्प के लिए तो उनके ऑफिस में वो उनको बताता है कि कुछ आप डरिए मत कि मेरे पास बहुत लॉयर्स हैं और हम हैंडल कर लेंगे तो वो ऐसा कैरेक्टर है कि वो हर इंडस्ट्री में हर जगह उसके कॉन्टैक्ट हैं Uh, मैं तो सोचता हूँ एक्चुअली केडिया के पास आठ uh, या नौ फोन नंबर है ये आप देखिए वो ऐसा है कि उसके पास आठ नौ नंबर्स हैं uh, अलग अलग नाम के आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं उनकी और यू uh, नो you know, वो हैंडल करते हैं सारी सारे जो uh, जो डील्स करनी पड़ती हैं हर जगह वो केडिया करता है तो आई थिंक दैट इज वाई वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आर्या के पास पैसे नहीं होते एंड ऑब्वियसली uh, उनको हेल्प चाहिए Right. और फिर मैं किडनैप हो जाता हूँ किसी किसी करती है और फिर मैं ही ट्रांसफर करता हूं, को कैश मेरे पास ही है वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन और अगर मैं वो नहीं करता तो ऑब्वियसली रशियंस फिर आर्या की हेल्प नहीं करेंगे और, और भी डेंजर बढ़ जाएगा उनके लिए तो वो बहुत ही क्रिटिकल बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ सीजन करेक्ट करेक्ट एज वी एम रियली होपिंग फॉरवर्ड के सीजन uh, थ्री में इम्पोर्टेंटर uh, और और um, uh, शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा क्योंकि एक सीरीज ऐसी है जिसमें इतना uh, you know, uh, सब कुछ हो रहा है फास्ट फॉरवर्ड में बहुत सारी चीजें हो रही है इंटेंस है बट देन यू हैव एन एक्टर लाइक सुष्मिता सेन जिनका जो पसौना है वो ही यू नो कामनेस और ग्रेस और एलिगेंस को कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है तो उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना हाउ वाज दैट एब्सोल्युटली अमेजिंग आई मीन यू नो शी इज एन आइकॉन शी हैज बीन एन आइकॉन सिंस मिस यूनिवर्स एंड आई रिमेंबर्ड दैट एंड एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट एंड आई थिंक दैट यू नो इनिशियली आई वाज क्वाइट नर्वस व्हेन आई जॉइंड सीजन 2 बिकॉज़ आई वाज नॉट इन सीजन 1 बट जैसे ही मैं सीजन टू में आया उन्होंने इतना इंकरेज किया और मोटिवेट किया और वो बहुत ही हेल्पफुल uh, हैं ओवरऑल सबके साथ okay. सिर्फ एक्टर्स uh, के साथ नहीं प्रोडक्शन क्रू के साथ डायरेक्टर्स के साथ uh, सबके साथ जिनके साथ भी वो काम करती हैं सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत मजा भी आता है काम करते वक्त सो डेफिनेटली आई फेल्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द टीम फ्रॉम डे वन एंड शी ऑल्सो स्पोक नॉट अबाउट द सीन्स यू नो विच इज रियली हेल्पफुल बिकॉज हम लोगों ने रिहर्सल जूम कॉल पर करी थी क्योंकि okay. जब हमने सीजन टू शूट किया था पैंडेमिक के टाइम उस टाइम तो हमने जूम कॉल्स करी थी पर सीजन थ्री में ऑफकोर्स हमने इन पर्सन करी थी पर उस टाइम पे भी जब हम कर रहे थे तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लेती हैं सीन्स में और इक्वेशन uh, में तो जैसे केडिया और आर्या ब्रदर और सिस्टर जैसे हैं और ये हमने एक्चुअली डिसाइड किया एज वी वर वर्किंग ऑन इट के देयर रिलेशनशिप इवन दो दे आर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर बट प्रैक्टिकली फॉर ऑल परपज दे आर एंड इवन केडिया सीज आर्या एज ए सिस्टर

कोई भी काम करें कोई कहाँ पर भी सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं आई डोंट थिंक हर चीज आप रहती है गुड थिंग्स एंड दैट इज द वे आई एम ट्राई टू लुक एट लाइफ यू नो इज दैट ट्राई एंड लुक एट दिंग्स दैट आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री बट ऑल्सो इन दंट्री यू नो एंड एंड ट्राई स्ट्रेंथन दो जहां पर तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप इंप्रूव करिए और और जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसको आप हंड्रेड परसेंट दीजिए हंड्रेड से पस, अगर उसे ज्यादा भी दे सकते हैं दीजिए यू नो फुल पावर दीजिए बिकॉज एफर्ट और हार्ड वर्क इज नॉट रिप्लेसेबल तो दैट इज माई मंत्रा बेसिकली यू नो दैट आई विल गिव माई हंड्रेड परसेंट टू दैट आई गेट एंड इवन द वर्क दैट आई डू इंडिपेंडेंटली बिकॉज आई ऑल्सो लाइक टू राइट एंड डिरेक्ट

Uh, direction, you know, in theater, you do everything. I've worked backstage also. I've worked at the box office also. You know, so I've done everything with theater. So I feel like theater is really like the one place where you learn the most because you're doing a show in front of a live audience. Right. And if you make mistakes, then show complete the show. As they say, the show must go on. So, you know, your discipline really becomes very, very strong because you know that there is a process to this. एंड आप कहीं भाग कर जा नहीं सकते फिल्म में अगर आप कट भी करेंगे आप ब्रेक ले सकते हैं दो घंटे की और फिर आप वापस आके वही सीन शूट कर सकते हैं Correct. अगले दिन भी अगले हफ्ते अगले साल जब भी करना है <laughs> पर आप थिएटर में नहीं कर सकते और ऑडियंस अगर उनको पसंद आएगा तो वो तालियां बजाएंगे अगर नहीं आएगा तो वो टमाटर फेंकेंगे तो वो वो समझ में आ जाता है कि वहीं पर आपको अपना कैरेक्टर मेंटेन करना है एज एन एक्टर आपको अगर दो घंटे का प्ले है या डेढ़ घंटे का प्ले है आपको फुल के लिए अपना कैरेक्टर मेंटेन करना है और आप ब्रेक नहीं कर सकते अपना कैरेक्टर तो आई थिंक इसलिए जो मेथड एक्टिंग टेक्निक्स हैं वो तो अलग बात है पर आपको बस अपना डिसिप्लिन रखना है कैरेक्टर के के लिए यू नो इन द सेंस के आपके माइंड में वो कैरेक्टर की जर्नी उस टाइम के लिए रहनी चाहिए आप वो यू कान डिस्कनेक्ट से करेक्ट करेक्ट सो थिएटर तो डेफिनेटली इज अ वेरी ऑडियंस ड्रिवन यू नो एक स्पेस हम कह सकते हैं बट आई थिंक अभी जो एडवांस ऑफ ओटीटी हुआ है और जिस तरह से कंटेंट कंजम्पशन का तरीका बदला है आई थिंक इवन फिल्म्स इवन ओटीटी स्पेस जो है वो काफी ऑडियंस ड्रिवन बनती जा रही है डे ऑडियंस के पास इतने चॉइसेस हैं और इतने थिंग

डायरेक्ट कर रहे हो उसमें एक्ट भी कर लो बट एज एन एक्टर सोनली एज एन एक्टर बात करूं पोस्ट नाउ यू है लोगों ने आपके कैरेक्टर को आपके काम को पसंद किया है वॉट आर द ऑफ रोल्स या प्रोजेक्ट जो अब आप चाहते हैं कि आपको ऑफर हो वेल आई एम लुकिंग फॉर that, is the truth. Like, uh, stories that...

Many people who are not represented in stories, I feel that is where the magic is. You know, the things, the stories that you've never seen before of mm. people in India. Uh, there are so many, you know, uh, and it could be of uh, any profession, really. I mean, you could have people who are doctors, lawyers, uh, people who drive rickshaws, taxis. I mean, you know, any type of profession. I feel like there's so many stories out there, uh, personal stories of those people. So I really look for that, actually. You know, something that is personal, tru truthful.

रिलीज uh, होते के साथ ही सीजन थ्री देख लिया होगा, बट there will be still people जिन्होंने नहीं देखा और प्रोबेबली हैवेंट इवन सीन्स द सीजन वन एंड टू तो क्या कहना चाहेंगे uh, उन लोगों को थ्रू आ प्लेटफॉर्म। वेल well, सबसे पहले आप सीजन वन एपिसोड वन लगाइए और शुरू कर दीजिए <laughs> और फिर और आप, आप खत्म नहीं करेंगे। <laughs> आपकी गाड़ी सीजन थ्री के लास्ट एपिसोड पे आके रुकेगी I think uh, having watched the season वन and टू I can also vouch के तारक ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है Already आप देख चुके हैं तो definitely season थ्री is there उसको भी binge watch कर डालिए And on that note uh, Tarek thank you so much for your time for this interview and wishing you best wishes uh, for your future. Thank you, thank you so much निधि I really appreciate you taking the time to talk to me. Thank today. you, pleasure is all mine. Thank you, bye bye.